आपसे बचने का एक ही उपाय है कि हर पल भगवान का स्मरण किया जाए। भगवान को याद रखोगे तो पाप में मनोवृत्ति नहीं जाएगी, पाप से बच जाओगे तो ताप से बच जाओगे। अपनी ही संपत्ति अर्जित करने के लिए अगर कोई दक्षिणा ले रहा है तो निश्चित रूप से वो दोषी है। ये खुद माया लेके दूसरों को सत्संग बता रहे हैं, उनकी वाणी क्या असर करेगी, या वो तो खुद माया में लिप्त हैं, वो लोगों को क्या छुटकारा दिलवा देंगे, इस चीज में थोड़ा निरीक्षण आप जरूर करें। ऐसा पीबी वर्ल्ड मीडिया। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। आज पहली बार कोशिश है पीबी वर्ल्ड मीडिया पे कि मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, क्योंकि जिनके साथ मैं बैठा हूं वो वृंदावन की एक ऐसी हस्ती हैं जो हम दुनियावी लोगों को कृष्ण महाराज से जोड़ते हैं, उनके भजन गाते हैं, उनकी जीवन गाथाएं आपके सन्मुख लेके आते हैं। और स्वामी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पीबी वर्ल्ड मीडिया पे। मैं नाम बता दूं इनका, इनकी जानकारी दे दूं, वैसे तो इनको पूरी दुनिया जानती है, रविनंद्र शास्त्री जी जो वृंदावन से हैं। और आज पीबी वर्ल्ड मीडिया पे कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे। स्वामी जी, अध्यात्म की बात चलती है तो मनुष्य कहीं ना कहीं लालचवश होता है, आनंद और लालच में क्या फर्क होता है? देखो, लालच सदा आनंद का ही करना चाहिए। उनमें सुख जो है वो प्रारब्ध से भी जीव को प्राप्त हो जाता है। आनंद जो है ये केवल आध्यात्मिक जगत में ही जाकर के प्राप्त किया जाता है, और जीव की परम संतुष्टि केवल आनंद प्राप्ति से ही होती है। और आनंद कोई साधारण वस्तु नहीं है। भागवत जी के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के सब ग्रंथों के अनुसार, आनंद साक्षात परमात्मा, रस स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। ये उसका प्रयास केवल सुख प्राप्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे आनंद प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ संभव प्रयास हर पल करना चाहिए। और आनंद कोई क्रीत वस्तु नहीं है कि आप कहीं से खरीद लोगे, किसी से छीन लोगे, किसी से मांग लोगे। ये तो अंतःकरण की गहराई में जब जीव उतरता है और संसार को भुला करके ही आनंद प्राप्त किया। हमारे भीतर भगवान का वास है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। स्वयं भगवान ने रिटर्न हमको गीता में कहा है, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। लेकिन कुछ लोग माया जगत में इतने फंस गए कि उन्होंने अपने भीतर बैठे भगवान को सुला रखा है, और कुछ लोग भगवान को जागृत करके और इस आनंद को प्राप्त करते रहते हैं। और मैं तो, आपने बड़ा अच्छा शब्द दोनों जोड़े कि आनंद और लालच में क्या अंतर है, मैं तो कहूंगा कि लालच सदा आनंद प्राप्ति का ही करना चाहिए, ताकि जीव सुखी हो सके, प्रसन्न हो सके, दो पल वो चैन से बिता सके। और ये तभी संभव है जब वो आनंद मार्ग पर आगे बढ़े। शास्त्री जी, दोनों चीजें बड़ी महत्व है, जैसे आपके नाम के पीछे शास्त्री लगा है, तो ज्ञानवान होना भी बहुत जरूरी है अध्यात्म को समझने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वृंदावन की गलियों में जो लोग नाचते हैं वो दीवाने हो जाते हैं। अच्छा, ज्ञानी होना और नाचने का इश्क होना, दोनों में कितनी सीमाएं? देखो, ज्ञान, ज्ञान कहते हैं ईश्वर का सर्वत्र दर्शन। और मेरा तो यही कहना है कि जब ईश्वर का जीव सर्वत्र दर्शन करता है तो फिर नृत्य के सिवाय उसके जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। जब उसको सर्वत्र परमात्मा दिखाई देने लगता है, ज्ञान की अनुभूति जब उसको ईश्वर दर्शन के माध्यम से प्राप्त होती है, तो फिर जीव क्या करेगा? आनंद की पराकाष्ठा है ईश्वर, और उस आनंद को प्राप्त करके वो नृत्य करेगा, उसके बस में है ही नहीं। हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना वैराग है, ना मोह ममता से आपको कोई किसी प्रकार की मुक्ति है, और आप नाचने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वो नाचना केवल अभिनय है। लेकिन ज्ञान युक्त, वैराग्य युक्त व्यक्ति जब नाचता है, वो नृत्य सीधा मुक्ति का रास्ता है, वो नृत्य सीधा भगवान के हाथ में हाथ डाल करके होने वाला नृत्य है, वो साधारण नृत्य। वृंदावन के सुनने में आया है कि जो वहां जाता है उसकी वो मिट्टी ऐसी है कि वहां से जो बांसुरी वादन होता है, जो लीला होती है, हर आदमी हर रूह उसका दीवाना है। दूसरी तरफ जो वहां नहीं गया, जब उसको उस चीज के बारे में पता नहीं,
अगर वो पहली बार जाता है तो कृष्ण महाराज की कृपा तो सभी पर वैसी है, लेकिन अगर वो अनुभव करना चाहे तो वो वहां का अनुभव आज के युग में कैसे करेगा? सर्वप्रथम वृंदावन की रज का प्रभाव बड़ा अचूक है। उस रज में जो आज भी इतनी करामात देखी गई है उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि वृंदावन का जो रज कर्ण है वो ठाकुर भगवान श्री राधा कृष्ण का चरण स्पर्श प्राप्त रज कर्ण है। उस रज में भगवान ने लीलाएं करी हैं। आज भी वो पेड़, वो यमुना के तट, आज भी वो प्राचीनतम लता पता वृंदावन के भीतर विराजमान है। आज भी वो गिराज गोवर्धन साक्षात विराजमान है जिसको भगवान ने अपनी सबसे कृष्ण उंगली के ऊपर उठाया था इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। तो ये सब जो मूल प्रमाण है वृंदावन के, ये जीव को सहज ही स्वाभाविक ही आकर्षित करते हैं। और उस रज के साथ जुड़ करके जीव जो है एक आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़ जाता है। उसे ऐसे लगता है कि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में आ गया। जो वृंदावन से बाहर रह करके बहुत प्रयास करके हमको प्राप्त करना पड़ता है आनंद, वो वृंदावन में मात्र प्रवेश करने से ही प्राप्त होने लग जाता है। वहां की वाइब्रेशन ऐसी है, वहां का वातावरण ऐसा है। और आपने जो प्रश्न किया कि उस आनंद की तरफ जीव और आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए तो रसिक जनों का, संत जनों का संग। क्योंकि हमारे सामने कितना भी बढ़िया हीरा हो लग, लेकिन अगर हमें परख नहीं है तो हमारे लिए वो कांच है। तो हीरे की परख जैसे किसी जौहरी के द्वारा होती है, ऐसे ही वृंदावन की जो रस की सही परख है वो हमें किसी सत्संगी महापुरुष के रसिक के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए वृंदावन के संतों ने तो कहा कि प्रथम ही सुने भागवत, सबसे पहले भगवान की दिव्य कथाओं का वो श्रवण करे, भागवत प्रश्न कथा श्रवण करे, रसिकों का संग करे, गैर श्री वृंदावन की गहिए, ऐसे ऐसे जो पद महापुरुषों ने लिखे हैं तो उसमें यही संकेत है कि रसिक जनों की संगति किए बिना, अनुभवी लोगों की संगति बिना वृंदावन का रस जो है वो समझ नहीं आता। और पछता भी नहीं है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देखने को सरल है लेकिन उनके भीतर एक आध्यात्मिक गुप्त संदेश है जो केवल संतों के द्वारा ही प्रकट हो सकता है। तन और मन का एक होना बहुत जरूरी है। आनंद प्राप्ति में मन की गति पीछे रह जाएगी, तन भी पीछे रह जाएगा। केवल अपनी चित्त वृत्ति जो है, जब वो हम आनंद के साथ जोड़ते हैं तो उस आनंद की अनुभूति। तो शरीर के अंदर विकार है, मन के अंदर भी विकार है, इसलिए आनंद प्राप्ति में कभी कभी शरीर भी बाधा है, मन भी बाधा है। इसलिए हमारे यहाँ अंताकरण चतुष्टय में जो एक चित्त भाग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार प्रकार का भाग है अंताकरण के, उसमें जो चित्त वृत्ति है वो शुद्ध रहनी चाहिए। चित्त में कोई विकार ना आवे, चित्त में कोई वासना ना आवे, चित्त में कोई शंका ना आवे, तो फिर वृंदावन का रस जो है वो सरल है। भगवान ने जो महारास का भागवत जी में वर्णन आता है, उन गोपियों के साथ भगवान ने महारास करी। ये महाराज कोई शरीरों का मिलन नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। बहुत से लोग ये सब बोलते हैं, जो सनातन को नहीं समझते वो बोल देते हैं ये केवल प्रोपेगेंडा है सनातन की परंपराओं को। ये जो कुछ वामपंथी सोच के लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन भागवत जी की कथा, इसलिए मैंने पहले कहा कि रसिक संघ के बिना, सत्संग के बिना, रसिक जनों के चरणों में बैठे बिना ये गूढ़ तत्व समझ नहीं आते हैं। ये महाराज केवल नाचना गाना नहीं है, भक्ति में नृत्य भी एक अंग है, लेकिन सब रसों का समूह रास है। और शुद्ध जीव मतलब माया रहित जीव और ब्रह्म का मिलन ही महारास है। और जन्म जन्म की जो तपस्या करके जो ऋषि मुनि महान लोग गोपी वाले बनकर के ब्रज में जन्म लिए हैं, ये उनके साथ ब्रह्म का मिलन है साक्षात। इसलिए अगर हम भगवान श्री कृष्ण रासलीला को देखते हैं और प्रमाण देते हैं भागवत में ऐसा लिखा है, तो भागवत में यह भी लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान है। तो महाराज के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले या भगवान की किसी और भी लीला के ऊपर श्री कृष्ण पर टीका टिप्पणी करने से पहले आप उसी ग्रंथ के अनुसार पहले श्री कृष्ण को भगवान मानो, फिर तुम आगे चलो। जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा, भगवान का स्वरूप समझ आएगा, तो शंकाएं अपने आप समाप्त। और भगवान की हर लीला जो है, मैं फिर बार बार एक शब्द दोहरा रहा हूं कि
अनुभवी लोगों का संग किए बिना, संतों का संग किए बिना नहीं समझ नहीं आता। शास्त्री जी, लड्डू गोपाल और कृष्ण गोपाल, आपने महालीला की बात की है, रासलीला की बात की है, दोनों में क्या अंतर है? लड्डू गोपाल कृष्ण गोपाल है तो कोई अंतर नहीं। हम भगवान की ये जो छोटी सी मूर्ति है, जिसको जैसे छोटे बच्चे को लाड से हम बोलते हैं लड्डू है मेरा, तो ये वही भाव है यहाँ पर। या कई बार इस मूर्ति के हाथ में हमारी माताएं बहनें बहुत आकर्षित है इस तरफ, माखन का पेड़ा रहता है उनके हाथ में, जितनी भी ये मूर्तियां बनती हैं उसमें लड्डू रहता है, तो इसलिए भी लड्डू गोपाल बोलते हैं। लेकिन इसका मुख्य भाव यही है कि श्री कृष्ण की उपासना लाड की उपासना, भगवान श्री कृष्ण पूजा के भूखे नहीं है, प्यार के भूखे हैं, लाड के भूखे हैं, इसलिए लाड से इनको लड्डू गोपाल कहा जाता है। जैसे अपने छोटे बच्चे को हम कई प्रकार के निक नेम लेकर के पुकारते हैं, मेरा लड्डू, मेरा भोलू, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे ही मेरा लड्डू है। भगवान श्री कृष्ण हम सबके प्यारे हैं और प्यार से ओतप्रोत ही ये शब्द है लड्डू गोपाल। वही कृष्ण गोपाल है, वही मदन गोपाल है, वही रास बिहारी है, वही श्याम सुंदर है। सबसे सुंदर तो वही है जिस रूप में जिसको आप अच्छा लगता है। सुंदर सिर्फ भगवान है, क्योंकि सुंदर वो होता है जो कल्याण करे, सुंदर वो होता है जो सत्य हो। तो हमारे भगवान सत्य भी हैं, कल्याणकारी भी हैं, इसलिए वो सबसे सुंदर। ये मुलाकात कैसी रही आप सभी हमें इनबॉक्स कमेंट में जरूर बताना। जाते जाते सवाल, ये सवाल ही है, जैसे आप कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो कुछ जो नास्तिक लोग होते हैं उनके जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं कि ये खुद माया लेके दूसरों को सत्संग बता रहे हैं, वो उनकी वाणी क्या असर करेगी, या वो तो खुद माया में लिप्त हैं, वो लोगों को क्या छुटकारा दिलवा देंगे, इस चीज में थोड़ा निरीक्षण आप जरूर करें। ऐसा है कि हमारे यहाँ यज्ञ के साथ दक्षिणा का विधान है, तो यजमान के मन में, श्रोता के मन में एक भाव रहता है कि जिनसे हमने कुछ प्राप्त किया है उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट दी जाए, और ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। हाँ, इसमें बहुत अधिक लोभ लालच की अगर कोई बात आती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ, लेकिन देने वाले की हैसियत के अनुसार जो वो श्रद्धा से, प्रेम से, अपनी पहुंच से अगर कुछ देना चाहता है, और उस पैसे का भी व्यासपीठ पर बैठने वाला जो भी कोई संत महापुरुष है वो आगे सदुपयोग करता है। हम लोग कथा बाजते हैं, हमें कुछ दक्षिणा मिलती है, तो उस दक्षिणा के साथ वृंदावन में गौ सेवा है, आश्रम सेवा है, किसी आए गए को जलपान मिल जाता है, तो ये सब विकल्प इस सेवा के आधार पर चलते हैं। केवल अपनी ही संपत्ति अर्जित करने के लिए अगर कोई दक्षिणा ले रहा है तो निश्चित रूप से वो दोषी है, लेकिन दक्षिणा को प्राप्त करके वो अगर समाज में उसका सही वितरण करता है, परोपकार में उसका कुछ अंश खर्च करता है, तो ये शास्त्रीय विधान है, इसमें कोई दोष नहीं है। पेट सबको लगा है और परमात्मा ने कोई ना कोई साधन सबका बनाया है, और कुछ लोग अगर इस सेवा में लिप्त हैं या इस सेवा में लगे हुए हैं तो उनका भी ये माध्यम है। तो बिल्कुल लोभ की वृत्ति से किसी के कपड़े फाड़ने वाली अगर हम बात करें तो वो तो सर्वथा अनुचित है, लेकिन कोई श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से और अपनी पहुंच से अगर कोई भेंट देता है तो उसमें शास्त्र में कहीं भी उस व्यक्ति लेने वाले को दोषी नहीं माना। राधे राधे, कृष्ण मिलादे, प्रदीप बैंस, कैमरा पर्सन गुरपाल सिंह के साथ पीबी वर्ल्ड मीडिया से।